हाय ब्यूटीफुल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आदिवासी हेयर ऑयल के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। हाँ जी, उसके साइड इफेक्ट भी हैं, मतलब ऐसे जबरदस्त वाले तो नहीं, लेकिन मुझे वो साइड इफेक्ट लगे। आप कहोगे कि ये तो आदिवासियों के पीछे ही पड़ गई। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती, इसीलिए छोटे 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 कई सारे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आदिवासी हेयर ऑयल के साइड इफेक्ट भी हैं। हाँ जी, देखिए, पहली बात तो मैं उसकी बोलूं, जैसे हम किसी को फ्रेग्रेंस, है ना, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं हम, उसको आप क्या बोल सकते हो, स्मेल। हाँ, स्मेल बोल सकते हो उसको। जब कोई आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती ना, है ना, वो तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्मेल आ रही है ना, ऐसे करके। तो और कोई चीज हमें अच्छी लगती है, अच्छी खुशबू आती है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो पहली बात तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, उसको आप खुशबू या फ्रेग्रेंस नहीं बोल सकते, उसको आप स्मेल बोल सकते हो। ओके, मतलब इतनी हैवी, इतनी, पहला साइड इफेक्ट तो उसका यही है, स्मेल आती है ना, वो बड़ी भयंकर है भाई। ऐसे माइंड में आपके चढ़ जाएगी ना, सर में जो आप लगाओगे आपको तो चढ़ेगी चढ़ेगी, साथ वाले के भी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, पूजा क्या लगा लिया, सर में दर्द हो रखा है। यानी कि जो आपके आसपास वाले हैं ना, उनको भी सर में दर्द हो जाएगा, इतनी भयंकर स्मेल है। मतलब बर्दाश्त नहीं हुई थी एक दो बार तो मेरे को, लेकिन ये था कि लगाना है लगाना, ट्राई तो करना है अब, है ना, तो इसीलिए मतलब लगाते भी हैं लोग, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो अच्छी नहीं है। और उसके बाद इतना हैवी तेल है ना, मतलब आप लगाओगे तो सर में ऐसा लगेगा जैसे बोझ सा रख दिया हो किसी ने बालों के ऊपर। और मतलब एक होता है हल्का तेल जो पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन ये हल्का नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। आपके सर को ऐसे हैवी हैवी रखेगा ना, मतलब सुबह तक रखना मुश्किल हो जाता है। सुबह एकदम से ऐसा लगता है बस बालों को धो ले फटाफट से। और एक और बात, सर में दर्द भी होता है तेल लगाने से, मतलब इतना हैवी है ना, तो वो हैवी के कारण शायद सर दुखता है, मेरा तो दुखता है भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने बाकी वीडियो में तो नहीं बताया। हाँ, मैं बोल रही ना कि भाई छोटी 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 कई वीडियो बनानी पड़ेंगी, मतलब बहुत सारी चीजें हैंगी जो मेरे को ठीक नहीं लगी। क्योंकि एक तो भाई स्मेल, ठीक है, एक भारीपन, ओके, तीसरा सिर में दर्द, मुझे तो ये चीजें हुई और औरों का पता नहीं। और अगर कोई यूज कर रहा है उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं, क्या पता भाई मेरे को ही हो और आप लोग कमेंट करोगे तो और सबके लिए भी हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई ये ही सीन है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग, ये ही साइड इफेक्ट लगे मुझे तो। और क्योंकि देखो, अगर हम घर में भी बहुत सारी चीजें डाल के भी बनाते हैं ना, तो भी उतनी मतलब स्मेल नहीं आती तेल में। जैसे बहुत सारे DIY आइडियाज बताती हूँ मैं घर में, कैसे हम गोले के तेल में या फिर सरसों के तेल में बहुत सारी चीजें मिला के उसको अच्छे से बना सकते हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने बहुत बार बनाया भी है, लगाया भी है, लेकिन उसमें तो इतनी गंदी स्मेल नहीं आती, मतलब, और ना ही वो इतना हैवी होता है, मतलब बालों पे हैवी हैवी, उस सर में ना ही उससे सर में दर्द होता है। तो मुझे दो चार चीजें उसकी अच्छी नहीं लगी, और ये इसीलिए आपको बताना जरूरी था जो भी मंगाने की सोच रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, एक होता है कि भाई स्मेल वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती, लगा लेते हैं लोग, ठीक है, तो वो लोग तो भाई आप मंगा सकते हो, लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो मतलब स्मेल को सूंघ सूंघ के और ऐसे, मतलब हर चीज को सूंघ के लेते हैं। मेरे जैसे तो लिपस्टिक को भी सूंघती है पहले, खोल के सिंदूर को भी सूंघती है। हाँ, ऐसा होता है, मतलब स्मेल नहीं आनी चाहिए किसी चीज में भी, फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रेग्रेंस होती है जो वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि लिपस्टिक भी लगाओ तो मगज में चढ़ जाए ऐसी नहीं, ठीक है।
तो हर तरह के लोग होते हैं, आप किन में से हो भाई, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो वो आप देख लेना। और जो इसके साइड इफेक्ट थे, जो इसमें कमियां थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, ओके जी, बाय बाय बाय।